क्वेश्चन ही कराने वालों, और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या कह सकते हो आप, कैसे शॉर्ट आंसर शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप, लेक्चर 20, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करें। हाँ जी, आर यू रेडी? एक मिनट, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर। कैसा वेक्टर चाहिए? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मीन्स हुज मैग्नीट्यूड इज वन। आर यू ओके? इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स सम ऑफ द वेक्टर्स वेक्टर्स बेटे हमें दिए हुए हैं। एक वेक्टर दिया हुआ है बेटे, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i cap - j cap + 2k cap एंड वेक्टर बी इक्वल टू व्हाट? -i cap + j cap + 3k cap. तो आपका टारगेट क्या है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर। इन दोनों के सम के डायरेक्शन में मुझे एक यूनिट वेक्टर चाहिए। कैसा वेक्टर चाहिए? यूनिट वेक्टर। तो वेरी इजी क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, इन दोनों का सम निकाल लेना है और सम को इसके मैग्नीट्यूड, जो सम का मैग्नीट्यूड आएगा उससे डिवाइड कर लेना। डिवाइड, नॉट मल्टीप्लाई, डिवाइड डिवाइड। यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, समझ आ गया? लेट लेट आप कर लोगे ऐड, आप ऐड करोगे इसे? सीड नोट्स मान लेते हैं, सीड नोट्स, लेट सीड नोट्स द सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इन दोनों का सम हमने किसको बोला? सी को बोला। किसको बोला भी? सी वेक्टर। सी को वी हैव अगर सी को आपने इनका सम बोल दिया तो बेटे वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए, यही है, और वेक्टर बी कौन है? माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। इन दोनों को आपने क्या करना है? ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करना है, कर लो क्या? स्टार्ट, आप ऐड कर दीजिए, मैं लिख दूंगा, आप बोलिए। सुनिए, हाँ जी, क्या बोला आपने? i cap + 5k cap। बाद में आपने मैग्नीट्यूड भी बताना है। सुनिए, किसका दोनों के सम? सी का 26 √26। हाउ? क्योंकि आपने 1 का स्क्वायर किया और फिर 25 का स्क्वायर, समझ आ रहा है? तो इन्होंने सबसे पहले सी फाइंड किया और वेक्टर सी आया इनका, 2i - i, दैट इज आई कैप, एंड देन ये कैंसिल हो गया प्लस 5k cap, और फिर इन्होंने फाइंड किया मॉड ऑफ वेक्टर सी। मॉड ऑफ वेक्टर सी इन्होंने निकाला √1² + 5² एंड दैट विल केम हियर √26, और √26 जैसे ही आया तो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर हमारा क्या होगा? रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, बिल्कुल सही बोला आपने, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा? डिवाइड होगा, और डिवाइड किससे होगा? वो आएगा सी कैप इक्वल टू वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ सी। सर जो कल मैग्नीट्यूड आया था उस क्वेश्चन में आपने उसे तो डिवाइड किया था, वो मल्टीप्लाई। बेटा यहाँ यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, वहाँ यूनिट वेक्टर नहीं पूछ रहा, वेक्टर का यूनिट का वन था तो हम मल्टीप्लाई करके, समझा रहे? वेक्टर के डायरेक्शन में पूछा था, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर। पहले तो आपने सम निकाल दिया इन दोनों का, और सम निकालने के बाद में आपको पता लगा कि मॉड सी ये होगा और रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर वेक्टर सी अपॉन मॉड सी, और वेक्टर सी पता लगे यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर सी क्या है आपका? i cap + 5k cap, यही है, अपॉन √26, ये आएगा बेटे, डिवाइड करें इसे, तो सी कैप इज इक्वल टू 1 √26 इंटू आई कैप प्लस 5 √26 k cap, सो दैट इज द राइट आंसर, और इसको मैं बॉक्स में डाउन कर देता हूँ। आ रहा समझ में? तो ये हमारा आंसर है बेटे, तो डाउट है तो बता सकते हो भैया। देखो बेटे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 11 इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ पीक्यू वेक्टर। इसके अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर चाहिए, मैग्नीट्यूड मुझे दे दिया उसने, खुशी की बात है, उसका पी और क्यू भी दिया हुआ है, यानी कि ये कौन सा पॉइंट है? इनिशियल पॉइंट है, और ये टर्मिनल पॉइंट है। पॉइंट क्लियर? इनिशियल पॉइंट अगर आप लिखोगे, इसको पी लिख दूं मैं, इनिशियल पॉइंट को पी, ये कौन सा पॉइंट है? इनिशियल पॉइंट, सही बोला आपने, कौन सा पॉइंट है ये? इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट आपका दिया हुआ, जल्दी बोलो बेटे, 1, 2, 3, ठीक है, 1, 3, 2, अच्छा कुछ गड़बड़ है मेरे हिसाब से, 2, 3 होगा फिर ये, और टर्मिनल पॉइंट बताओ भाई, -1, 0, 8 ये आपका कौन सा पॉइंट है? टर्मिनल पॉइंट, इज गिवन बाय
करूं मैं बेटे, देखो बेटे पी क्यू वैक्टर क्या होगा, पी क्यू वैक्टर, पी क्यू वैक्टर आएगा आपका, लिखू मैं, हाँ जी हाँ बिल्कुल, ओक्यू माइनस ओपी, बिल्कुल सही बोला आपने, क्या होगा ओक्यू माइनस ओपी, लिखू मैं यहाँ ओक्यू माइनस ओपी वैक्टर, यही होगा ओक्यू क्या है आपका, तो ये क्या कह रहे हो आप, इसमें से इसको माइनस कर, माइनस करो ना तो माइनस टू आई आएगा, क्या आएगा माइनस का टू आई कैप, और फिर जीरो में से टू माइनस टू जे कैप, और प्लस फाइव एट माइनस थ्री, जरा इसमें से इसको करो जरा कितना आ रहा है, हाँ बेटे थ्री है यार सही है, और ये क्या है टू है सॉरी, अब सही है, अब बताओ जीरो माइनस थ्री जे कैप, और फिर ये क्या आ रहा है सिक्स के कैप, कोई डाउट है किसी को बेटे, ये तो आपका क्या आ गया माइनस का, सॉरी माइनस का आएगा बेटे ये, एट माइनस टू, क्यों गड़बड़ है यार क्या, एक मिनट रुको माइनस, हाँ प्लस ही आएगा, सही है सही है, कुछ नहीं सही है ना, कोई डाउट है, सही है बच्चे सही चल रहा है, देखो इसने क्या बोला, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 11 इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट, ये जो वेक्टर आया ये कौन आया पी क्यू आया, इस वेक्टर के अपोजिट है, इसके वेक्टर अपोजिट कौन सा होगा माइनस पी क्यू, माइनस से कर दिया तो आ गया टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस सिक्स के कैप प्लस माइनस सिक्स के कैप, ये आ गया आपका, ये जो आया ये पी क्यू के अपोजिट वेक्टर आया, लेकिन ये नहीं चाहिए था, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना चाहिए 11, तो क्या करें मल्टीप्लाई कर दे किससे 11 से, गलत जवाब, डिवाइड करना है, गलत जवाब, आपने पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालना है और उस यूनिट वेक्टर को 11 से मल्टीप्लाई करना है, मैग्नीट्यूड तो 11 तभी होगा ना, आप इसको अगर 11 से मल्टीप्लाई कर दो मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा आ जाएगा, पता ही लगा आपको, आप ही करोगे ये, खड़े जो इसका आपने यूनिट वेक्टर बताना है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, ठीक है मैं लिखू यहाँ, तो आप पी क्यू कैप बताने जा रहे हो, क्या पी क्यू कैप या माइनस पी क्यू कैप, ठीक है ये बताने जा रहे हो, पहले तो टू आई कैप आएगा ना प्लस थ्री जे कैप माइनस सिक्स के कैप, अपॉन में क्या आएगा सुनिए जरा इनको, अंडर रूट, हाँ जी सुनो, अंडर रूट फोर प्लस नाइन प्लस थर्टी सिक्स कितना आएगा, थर्टी सिक्स फोर्टी नाइन, तो अंडर रूट आ गया 49 एंड दैट इज 7 है ना, दैट इज टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस, हाँ जी प्लस थ्री जे कैप अपॉन 7 और इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दूं 11, दैट इज द आंसर, आ गया तो मुझे पूरा लिखने की नीड है क्या, पूरा 11 जो इन्होंने मल्टीप्लाई करके लिखा वो लिखने की नीड है मुझे पूरी, नहीं ना बेटे मैं ये अलग से, ये हमारा आंसर है भाई, पी क्यू नहीं है ये ना क्यू पी है, ये क्या है आपका जो आपको चाहिए था, जो हमें चाहिए था, आगे समझ में बेटे, मुझे काम भी होगा तब भी चल जाएगा काम हमारा है ना, वहां तो आप काम फाइंड था पोजिशन वैक्टर, कैसा वैक्टर, पोजिशन वैक्टर फाइंड द पोजिशन वैक्टर ऑफ अ पॉइंट, पोजिशन वैक्टर ऑफ ए पॉइंट, कई बार लाइफ बेटे खींच के थप्पड़ मारती है और आप गिर जाते हो, वही फर्क होता है एक लूजर में और एक विनर में, जो विनर होता है वो एक बार नहीं हजार बार भी गिरेगा तो भी दोबारा खड़ा हो जाएगा और बोलेगा मैं करूंगा या खेलूंगा, ठीक है बेटे, ओलंपिक में एक मैच देख रहा था जो रेसिंग मैच था जब उसेन बोल्ट का, उसके बेटे मैंने दिखाई थी मसल जब क्रैक हो गई, नहीं जब रनिंग कर रहा था तो ऐसी सिचुएशन आ गई, तो फिर क्या है ना, समझा ना, अभी तक जा दो, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन, अभी तक जा दो, विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग, विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द टू, सचिन के साथ भी ऐसा किस्सा हुआ था बचपन में, नाक पे बॉल लग गई थी तब, ठीक है तो लेकिन वो फिर भी खेलने लगे थे, है ना, तो ऐसे प्लेयर्स हैं, तो वो उसी दिन पैदा हो गया था, आज हम जिसको जानते हैं उसको आज नहीं जानते, वो उसी दिन एक स्टार पैदा हो गया था, चोट लगी थी उसी दिन पता लग गया था उसका कि वो एक विनर कुछ, ठीक है देखो बच्चे पोजिशन वैक्टर्स, और कोई होता तो कंफर्ट जोन में चला जाता, टू ए प्लस बी, अभी एंड ओक्यू वैक्टर हमारा दिया हुआ है बेटे वैक्टर ए माइनस टू बी वैक्टर, बस भाई दान निकालने वाली बात नहीं हुई है कोई, है ना रेस्पेक्टिवली, यही है रेस्पेक्टिवली, और रेशियो वन रेशियो टू, इन द रेशियो दिया हुआ है, इन द रेशियो वन इज टू टू, और दोनों लगेंगे इंटरनली और एक्सटर्नली, दोनों दिए हुए, पहला ऑप्शन है इंटरनली, इंटरनली और दूसरा है एक्सटर्नली, ठीक है बच्चे, देखो बेटे पहले तो इंटरनली सॉल्व कर लेंगे, वो तो इजी है, प्लस वाला फिर माइनस, देखो बेटे बड़ा इजी क्वेश्चन है,
फाइंड द पोजिशन वैक्टर ऑफ ए पॉइंट आर. किसके पोजिशन वैक्टर चाहिए? आर के. विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू पॉइंट पी एंड क्यू विद पोजिशन वैक्टर. ओपी का पोजिशन वैक्टर दिया है और ओ क्यू का भी दिया. तो ओ आर सॉल्व करना तो बहुत ईजी है. सीधा ही ओ आर मैं इंटरनल कर रहा हूँ बेटे. ओ आर का एक सीधा फार्मूला था एम एन इंटू बोलो बेटे ओपी एन इंटू ओपी वैक्टर प्लस एम इंटू ओ क्यू वैक्टर अपॉन में क्या आएगा बेटे? भूल गए ये फार्मूला? भूल गए आप लोग? मैंने कराया M plus N. Yes, sir. ये कराया अभी यहाँ पे M अगर यहाँ पे हाँ, N आता आपने ना? थोड़ा क्या बोला? यहाँ पे हाँ. नहीं बेटे ऐसे आता है N पहले आता है N into OP मैंने बताया अभी था. ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई और अपॉन में आएगा N plus M. N plus M लिखो बेटे मैंने कराया हुआ है. सुनो बार बार ये गलती ना करो भाई. हाँ देखो ये आपका क्या है? दो वेक्टर. और सही तो है. क्या दांत निकालने वाली क्या बात होगी इसमें? ओ और ये आपका पी और ये क्या है बेटे? क्या हो रहा है ये? क्यू आर. मजाक नहीं चल रहा है कोई, सीरियस हो जाओ. ये क्यू है और यहाँ कहीं आर मान सकते हो है ना? बीच में आर जहाँ मर्जी ले लो क्या है ठीक है. आप भी सुधर जाओगे. अच्छा सही है. देखो बेटे अब हुआ क्या है? ये पी क्यू है और ये क्या है? आर है. अब आपका ये 1:2 रेशियो दिया है. कितना दिया है? 1:2. मैंने बोला था कि ये ओपी इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और ओक्यू इसके साथ और अपॉन में क्या आएगा? एम प्लस एन. और ये फॉर्मूला कराया था, चेक कर लेना अपना फॉर्मूला ठीक है. और ये एन एन क्या है? टू. और उसको ओपी के साथ मल्टीप्लाई करो यानी कि 2a प्लस बी वेक्टर प्लस 1 इनटू a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर अपॉन में क्या आ जाएगा? 3. तो ये आ जाएगा 4a प्लस 2b वेक्टर प्लस a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर. 2b कैंसिल ठीक है. अपॉन में क्या आ जाएगा? 3. ये बेटा कैसे होगा? 5a वेक्टर अपॉन 3. ये कौन सा डिवीजन था? इंटरनली. ये तो इजी था. एक्सटर्नल माइनस आ जाएगा सेकंड में. बिल्कुल सही बोला आपने. यहां क्या आ जाएगा? माइनस. तो ये ओ आर वैक्टर एक्सटर्नली हो रहा है. इसमें आएगा 2 टाइम्स. फिर वही कहानी चलेगी. 2a प्लस बी माइनस 1 इंटू ए माइनस 2b अपॉन में क्या आएगा? माइनस 2 माइनस 1 1 2 और 1 है ना? 4 मल्टीप्लाई करो बच्चे. 4a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर अपॉन 1 2a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर 3a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर. सो दैट इज द पोजीशन वेक्टर. ये इजी था बेटे क्वेश्चन ठीक है. देखो बच्चे इधर क्वेश्चन है. फाइंड द पॉइंट्स -1, -1, 2, 2m, 5 and 3, 11, 6 आर कोलिनियर. फाइंड द वैल्यू ऑफ m. देखो बेटे ये तो पॉइंट दिया है. तो पॉइंट दिया है तो मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखता हूँ. वो होगा OA वेक्टर इक्वल टू -i cap - j cap + 2k cap. ये तो आपने कौन सा वेक्टर लिखा? पोजीशन वेक्टर. इस पॉइंट का आपने कौन सा वेक्टर बताया? पोजीशन वेक्टर बताया. कौन से पॉइंट का? ए पॉइंट. आ गया समझ में कि नहीं आया? दूसरा है ओबी वेक्टर. ओबी वेक्टर होगा बेटे आपका 2i कैप प्लस एम जे कैप प्लस 5k कैप. उसी वेक्टर बताओ बेटे. 3i कैप प्लस 11k कैप प्लस 6k कैप. वेरी गुड. ये ए ओ ए है और ये ओबी है और ये ओसी ठीक है. ओबी और ये ओसी. प्रूफ ये करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है. तो इन तीनों पॉइंट से एक वेक्टर फॉर्म होगा. वो होगा AB और एक होगा AC. तो मैं ये प्रूफ कर देता हूं कि AB वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम्स है AC वेक्टर. क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का A है और ये वैसे कंडीशन किसकी होती है? पैरेलल की. लेकिन ये पैरेलल की कंडीशन नहीं है. मतलब पैरेलल ही कोलिनियर की कंडीशन बन गई. क्यों बन गई? स्टार्टिंग पॉइंट सेम लिया क्योंकि ए बी लैम्डा एसी के इक्वल तभी होगा. पैरेलल तभी होगा जब इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम हो. स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो गया. इनिशियल पॉइंट सेम हो गया और ये पैरेलल भी है. अगर इनिशियल पॉइंट सेम है और ये पैरेलल भी है तो कोलिनियर ही हो गया. और क्या तरीका था? ऐसे थोड़ा पैरेलल होता है. आ गया समझ में? ये तरीका है ठीक है. तो आप लोगों की बात बिल्कुल सही थी. आप ये हमसे कह रहे थे कि सर ये तो पैरेलल की कंडीशन होती है. बिल्कुल सही बोला था आपने. लेकिन इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है. इसलिए पैरेलल कन्वर्ट हो गया किसमें? कोलिनियर. आ गया ठीक है. करो सबसे पहले तो AB वेक्टर आपने बताना है. एक मिनट आपसे पूछूंगा मैं. आप सॉल्व करके रख लेना. OB माइनस OA वेक्टर. और फिर आपसे मैंने पूछना है AC वेक्टर. कौन सा वेक्टर? AC माइनस OA. तो ये आएगा OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर. आप बोलोगे आर यू रेडी? चलो मैं ये दोनों पॉइंट ऐसे पूछता हूँ. लिखिए 3i कैप प्लस एम प्लस
एम प्लस वन जे कैप ठीक है प्लस सेवन के कैप माइनस थ्री प्लस थ्री के कैप प्लस थ्री के कैप आएगा है ना। नेक्स्ट बोलो बोलते जाओ आई कैप प्लस इलेवन माइनस एन जे कैप प्लस के कैप दैट्स राइट आंसर। सी किसने सही बोला, इन्होंने क्या किया इसको इसमें से माइनस किया ओबी में से वे को तो इनका आया प्लस का थ्री आई कैप और फिर इन्होंने इसमें से इसको मैंने माइनस किया तो एम प्लस वन जे कैप और फिर जब इन्होंने माइनस किया प्लस थ्री के कैप ठीक है। उसी में से ओए को माइनस करो थ्री माइनस वन होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो आएगा फोर आई कैप और इलेवन प्लस वन जुड़ेगा तो आएगा ट्वेल्व जे कैप उसी माइनस ओए है ना आपने गलत कर दिया था प्लस फोर के कैप। तो यही मैं देखना चाहता हूँ कि क्या गलतियां होती है बच्चों से अब पता लग गया अब आपको पता लग गया इसलिए दो ग्रीन से लेके एक पिंक से लिखा ठीक है आगे समझ में अब ठीक है। अब बेटे हमारा टारगेट क्या है वेक्टर ए बी भी आ गया वेक्टर ए सी भी और इसको लैम्डा टाइम्स कर दे कर देंगे लैम्डा टाइम्स करें। चलो देखो बेटे यही है ये ए बी बताओ बेटे यहाँ लिख दूं मैं थ्री आई कैप प्लस एम प्लस वन जे कैप प्लस थ्री के कैप इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू लैम्डा टाइम्स फोर आई कैप प्लस ट्वेल्व जे कैप प्लस फोर के कैप दैट्स राइट यस सर। अब हमारा टारगेट है कंपैरिजन क्या करना कंपैरिजन ही होता है आई कैप का कोएफिशिएंट और इधर भी आई कैप का कोएफिशिएंट कंपैरिजन करना होता है ना थ्री इक्वल टू आ जाएगा फोर लैम्डा लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी थ्री बाय फोर कितना इजी है लैम्डा थ्री बाय फोर आ गया लैम्डा क्या गया लैम्डा क्या गया थ्री बाय फोर तो थ्री बाय फोर बस एम प्लस वन ट्वेल्व लैम्डा ट्वेल्व है तो एम प्लस वन इक्वल टू ट्वेल्व इंटू थ्री बाय फोर नाइन आ गया तो एम प्लस वन इक्वल टू नाइन तो एम इक्वल टू क्या आ गया नाइन माइनस वन एट एट ठीक है। फाइंड फाइंड अ वेक्टर आर फाइंड अ वेक्टर आर वेक्टर आर ऑफ मैग्नीट्यूड बेटे कितना दिया मैग्नीट्यूड बिल्कुल सही बोला आपने मैग्नीट्यूड क्या दिया थ्री रूट टू ठीक है बच्चे मैग्नीट्यूड दिया है थ्री रूट टू यूनिट्स थ्री रूट टू यूनिट्स विच मेक्स एन एंगल ऑफ पाई बाय फोर विच मेक्स एन एंगल ऑफ बेटे बोलो पाई बाय फोर एंड पाई बाय टू पाई बाय फोर वेरी गुड क्या बात है हा? इसमें क्या है इसमें तो बोला हमने है ना लेकिन आपने आगे तो पढ़ा नहीं कुछ बस 45 ये बता दिया आगे पढ़ो ना विद वाई एंड जेड एक्सिस एक वाई एक्सिस के साथ बना रहा है और एक जेड एक्सिस के अभी तो एक्स और वाई पढ़े थे अब 3D आ गया ना यहाँ देखो पर्सपेक्टिव ठीक है। अब ध्यान से देखना डायग्राम मैं नहीं बनाऊंगा आपको ऐसे मैं बता देता हूँ देखो बच्चे या तो एक कॉन्सेप्ट दूसरा चल रहा है देखो बेटे फाइंड अ वेक्टर आर ऑफ मैग्नीट्यूड थ्री टू टू यूनिट्स विच मेक्स एन एंगल ऑफ पाई बाय फोर विद वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस उसका मैग्नीट्यूड हमें दिया और उसके एंगल दिया तो बेटे देखो एक बात ध्यान रखना मैं आपको एक ये कौन सा एक्सिस है ये मैंने शायद कॉन्सेप्ट ना कराया एक्स वाई और ये है डायरेक्शन कोसाइन कराया मैंने हे भगवान इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया कैसे नहीं करा रहा हूँ कुछ भी नहीं है वैसे डायरेक्शन कोसाइन में है कुछ नहीं बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बता दें। देखो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है क्यूबॉइड आप सभी को पता है क्यूबॉइड के डायगोनल भी पता है क्या होता है। देखो बेटे अगर ये पॉइंट दिया हुआ है यहाँ कोई ये वेक्टर का मान लो एक पॉइंट दिया है कोई भी हो सकता है ये हो सकता है एक्स वाई जेड ये हो सकता है ये वाला जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल मान लो बना रहा है अल्फा कितना बना रहा है अल्फा अल्फा ऐसे वाई एक्सिस के साथ ये क्या बना रहा है बीटा और जेड एक्सिस के साथ ये बना रहा है गामा मान लो ऐसे बना रहे कोई प्रॉब्लम है किसी को ये जो वेक्टर है जो आप ये वाला वेक्टर देख रहे हो ठीक है ये वाला वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है वाई एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ गामा बना रहा है तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे इसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा एक्स एक्सिस के अलोंग वो होगा कॉस अल्फा क्या होगा बेटे क्या होगा कॉस अल्फा कॉस अल्फा ये बता नहीं है प्रोजेक्शन भूल गए हैं आप लोग एक्स कॉस अल्फा क्या होगा एक्स कॉस अल्फा ये वाला प्रोजेक्शन ये नहीं आता आप लोगों को ये मैंने प्रोजेक्शन नहीं कराया कि ये वाला साइन अल्फा और कॉस अल्फा कौन ये साइन अल्फा होता है और ये होता है ऐसा नहीं कराया मतलब बेस को सर कॉस लेते इसका एक फार्मूला मैं पहले करा देता हूँ बाद में प्रूफ कराऊंगा ये फार्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन और ये अभी मैं प्रूफ कराऊंगा आपको एल एम एन क्या है इसमें एल क्या होता है कॉस अल्फा अच्छा कॉस अल्फा एम क्या होता है आपका कॉस बीटा कितना दिया पाई बाय फोर और एन क्या है कॉस बीटा पाई बाय टू और ये तो जीरो आ गया आपका और ये आ गया वन बाय रूट टू और आपने निकालना क्या है एल निकालना एल तो इसमें पुट कर दो आंसर आ जाएगा बेटे आपका एल स्क्वायर प्लस एम कितना है होल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जीरो इक्वल टू वन
से लिखा बेटे, गलत नहीं है कुछ भी। आप इसको इसमें से माइनस करोगे ना बेटे, ये उधर जाएगा, ये तो आएगा 1 बाय 2 आएगा, और फिर 1 बाय 2 को क्या कर लोगे बाद में, प्लस माइनस 1 बाय 2 आ गया ना ये आंसर। तो ये तो आपका एल आया, अभी क्या है एल आया, लेकिन आपको क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए, क्या चाहिए, और मैग्नीट्यूड कितना 3√2, यूनिट विच मेक्स, अब 3√2 वाला जो वेक्टर होगा ये मान लो वेक्टर आ रहा है ये 3√2, इसको एक्स आई कैप या एल आई कैप, सॉरी बेटे एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एम के कैप, अभी बताऊंगा ये है क्या, अभी बताते हैं, ये आएगा 3√2, एल कितना आएगा प्लस माइनस 1/√2 आई कैप, 1/√2 जे का, 0 के का, बिल्कुल सही, उसको तो लिखने की नीड ही नहीं है, ठीक है आंसर बेटे बोल दो, कैंसिल करो ना, कैंसिल करके बोलो, रूट टू कैंसिल करो, 3 आई कैप प्लस माइनस 3 आई कैप, और बताओ प्लस 3 जे कैप, कैल्शियम मतलब ये कैंसिल, मतलब मैंने बोलना था कैंसिल और एलसीएम दोनों मिक्स हो गए, कैल्शियम बन गया, ठीक है आ गया समझ में, ठीक है ये देखो क्वेश्चन आया था डायरेक्शन कोसाइंस, ये कॉन्सेप्ट है, हाँ जी बिल्कुल, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, बिल्कुल कॉस यूज करेंगे, मैं बताता हूँ एक मिनट, सभी बच्चे आप इधर ध्यान देंगे, ठीक है आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस लेने जा रहे हो, ध्यान से देखना मैं करूँ स्टार्ट करूँ, चलो इधर ध्यान देना, मान लो ये कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, और ये कौन सी है वाई, और इधर कौन है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हमारी है एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चे, और यहाँ मैंने क्या ले लिया, क्यूबॉइड ले लिया, क्या ले लिया भाई, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड से ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि 3D डायग्राम है, तो क्यूबॉइड बना देता हूँ मैं यहाँ, ठीक है भाई, बना दे, प्रॉब्लम है क्या किसी को, क्यूबॉइड से प्रॉब्लम हो रही है क्या, और ये आपका ये देखो क्यूबॉइड बन रहा है, यहाँ फॉर्म करें, ठीक बेटे क्यूबॉइड फॉर्म हो रहा है यहाँ, ठीक बेटे, ठीक है ये आपका क्यूबॉइड बन रहा है, और अगर आप इसको ज्वाइन कर दो बेटे, ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, और ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, और ये इसके साथ, और ये मुझे तो आई है ऑलरेडी, ठीक है सही बन गया, चलो भाई हमने बना दिया डायग्राम, ठीक है अब एक काम करो, सुनो सर बच्चे इधर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ये पॉइंट मान लो क्या है ए, क्या माना, जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और जहां वाई एक्सिस को वो बी, देखा मैंने एबीसी ए से यहां से स्टार्ट किया एक्स एक्सिस से बी और फिर आ गया सी जेड, ठीक है हुआ क्या कि एक पॉइंट है कौन पी पॉइंट, पी पॉइंट मान लो कहीं भी है, मान लेते हैं यहाँ है, मान लो ये पी पॉइंट है, इसी के मैंने क्या चाहिए, इसका इसके पॉइंट दिया एक्स वाई जेड, ये पॉइंट दिया है और इस पॉइंट का मुझे वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर आर, कौन सा वेक्टर आर, बना दूं मैं यहाँ डायग्राम बनाऊं, देखना बेटे ये है हमारा वेक्टर आर, कौन है वेक्टर आर, ये तो होगा पीछे भी तो करके दिखाया था आपको, पीछे भी तो करके दिखाया, ये कौन है वेक्टर आर, कोई डाउट है तो बता दो अभी, ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है जेड, ये कितनी होगी एक्स और वाई, वाई ये वाली होगी, मैं बनाऊं ये लेंथ पूरी कितनी होगी वाई, ये पूरी लेंथ क्या होगी x, अरे इसी से तो आया ये कोऑर्डिनेट, बाहर है भाई हवा में ये, और ये क्या होगा जेड, ये होगा जेड, आ गया, अब बोलो किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो भाई सही चल रहा है भाई, सबको सही है बिल्कुल राइट है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है देखो बेटे ये पॉइंट था p और ये मान लो यहां कहीं है a, अब इस डायग्राम इस पॉइंट को ले लो, अब इस ये आपको एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं समझा देता हूं, अगर मैं इसको ज्वाइन करूं ऐसे इसके साथ ऐसे इन दोनों पॉइंट को a और इसको ज्वाइन करूं मैं ए और इस पॉइंट को point P. इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो इस डायग्राम को ऐसे देखना ऐसे बनेगा ये ओ पी और ये 90 डिग्री ये ओ होगा ये पी होगा और ये ए और यहाँ कितना डिग्री 90 डिग्री और ये कुछ एंगल होगा ठीक है ये ट्रायंगल दिख रहा है भाई आपको ऑफ ए पॉइंट पी इन द डायग्राम द एंगल अल्फा एक होगा एंगल अल्फा और एक होगा बीटा और एक होगा गामा मेड मेड बाय आर वेक्टर कौन से वेक्टर आर वेक्टर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली इन्हीं को क्या बोलते हैं आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स कौन से एंगल्स डायरेक्शन एंगल्स इनका नाम है डायरेक्शन एंगल्स लिख दो बेटे यहाँ डायरेक्शन एंगल्स द कोसाइन वैल्यू इन्हीं की अल्फा बीटा गामा तो डायरेक्शन एंगल हो गए जो जो ये वाला वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है जो ये वाला वेक्टर वाई एक्सिस के साथ बना रहा है जो ये गामा जेड एक्सिस के साथ बना रहा है
इनको तो आप क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल बोलते हो, लेकिन अगर मैं कॉस लगा दूं इनके अंदर तो कोसाइन, बिल्कुल सही बोला आपने, क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अभी क्या बताते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बताते हैं, ये डायरेक्शन कोसाइन को हम एल, डायरेक्शन कोसाइन क्या मतलब, डायरेक्शन कोसाइन मींस मतलब कि जो डायरेक्शन एंगल था ना ये अल्फा उसका कॉस ले लिया, आप ऐसे कैसे एंगल बता दोगे, एंगल मतलब कुछ कॉस अल्फा वैल्यूज की चाहिए, साइन टैन कुछ, हाँ, भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कॉस अल्फा ही क्यों लेते हैं वो मैं समझाता हूँ, सुनो कॉस अल्फा ही क्यों लेते हैं, सुनना जरा, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये वाला पूरा डायग्राम दिख रहा है, ये बताओ यहाँ से यहाँ तक कितनी है एक्स, ये कितनी है आर, ये पूरी यानी कि ओपी कितना है आर है, ये वाला क्या है एक्स, बिल्कुल सही बोला आपने, ये कौन है अल्फा, तो कॉस अल्फा मैडम बताना जरा, तो एक्स अपॉन आर नहीं है, बेटा मैंने कुछ गलत लिखा है यहाँ, आप जरूरी नहीं, मैंने थोड़ा टफ वाला लिया, एक्स इसको लिया, वाई इसको लिया, जेड, आप इधर भी एक्स ले लो, वाई तो इजी हो जाएगा आपके लिए, है ना, तो अगर कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन आर, ऐसे ही कॉस बीटा क्या आएगा, वाई अपॉन आर, और ऐसे ही कॉस गामा क्या आएगा, जेड अपॉन, ऐसे ही आएगा, ऐसे डायग्राम बनेगा उसका भी, जेड अपॉन आर, ये आ गए, कोई डाउट है किसी को यहां तक, ठीक है भाई, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू बताओ क्या आएगी, एल आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं आता क्या आपको, आर कॉस अल्फा, एल मतलब इसको एल मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, एक्स इज इक्वल टू आर एल, एक्स इक्वल टू क्या गया आर एल, और फिर वाई इक्वल टू एम आ जाएगा उसमें कुछ, हाँ एक्स इक्वल टू आ गया आपका एल आर, वाई इक्वल टू आ गया एल एम, और जेड इक्वल टू आ गया एल एन, ठीक है, और आप सभी को बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, बोलो वन, इक्वल टू वन कैसे बोला आपने, तो मैंने लिख दिया, मैंने तो लिखा है अभी, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं भाई, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, वो तो अभी से प्रूव करा रहा, अभी तो हम करने जा रहा हूँ, मैं इसको करूंगा इसको सॉल्व, द नंबर एल आर एम आर और एन आर सबको कर दो ना, स्क्वायर एन प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन्स डायरेक्शन रेशियोज, इट इज डिनोटेड बाय एबीसी, इनको एबीसी से भी डिनोट कर सकते हैं, किसे डिनोट कर सकते हैं, तो इनका स्क्वायर करो जरा क्या आएगा, एक्स एन यानी कि एल एन का होल स्क्वायर प्लस एल एम का होल स्क्वायर प्लस एल आर, एल आर, एल आर नहीं, एल आर ही गामा, एल गामा है वो, तो फिर इसमें सर यहाँ पे एन था, हाँ क्या था, कोई गड़बड़ हो गई क्या, एल एम एन सबके साथ आर था, एल एम एन होगा भाई, एल एम एन एक और था क्या, गामा एल एम ये सारे आर, आप क्या लोगे एल, इसको क्या लोगे एम, और इसको एल, पीछे भी आपने ऐसे लिया था याद करो, हाँ, पीछे पहले एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एल एम एन तो लिया था आपने, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा आर कॉस एल आर एल, और वाई इक्वल टू आर एम आर एम आर एन आर एन, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हम निकालने जा रहे हैं, मतलब अगर आप इस पॉइंट की बात करो एक्स वाई जेड की, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा एल आर कॉमा आर एम आर एम कॉमा आर एन, ठीक है, तो अब इनका स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा आर एम स्क्वायर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एन स्क्वायर आर स्क्वायर तो कॉमन है, और ये सभी का क्या है मैग्नीट्यूड है, तो इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा, ये सभी का क्या है मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या, सो यही तो हमने प्रूफ कर दिया, यानी कि डायरेक्शन को साइन का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या आएगा वन आएगा बस, ठीक है, ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेक्टर ए ये दिया है, वेक्टर बी ये दिया है, वेक्टर सी ये दिया है, फाइंड लैम्डा, आपने क्या फाइंड करना है, लैम्डा सच दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू दिस, वेक्टर ए इसके क्या है परपेंडिकुलर, वेक्टर ए जो है वो इसके परपेंडिकुलर, लैम्डा बी प्लस सी के परपेंडिकुलर है, तो करो ना बेटे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले तो लैम्डा बी प्लस सी निकाल लो आप, करें तो लैम्डा बी प्लस सी, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो कर देंगे, ए के साथ है ना, कॉस कॉस ऑफ दैट कॉस 90 जीरो, लैम्डा बी प्लस सी निकाले, लैम्डा बी क्या है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप प्लस आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप माइनस के कैप, यही है, अब बेटे ये बताओ ये क्या आएगा, दोनों को ऐड करके, ऐड करके मतलब आई कैप के क्वेश्चन ऐड करो, खड़े जाओ जरा, हाँ जी सुनो, इनको टू कर रही है ये लैम्डा, खड़े आप खड़े जाओ, खड़े जाओ करना है बेटे, लैम्डा प्लस वन आई कैप, हाँ जी सुनो भाई ये बताएंगे, हाँ बोलो बेटे लैम्डा प्लस वन, सुनो इनको बताएंगे, हाँ बताओ, हाँ लैम्डा प्लस वन आई कैप, हाँ जी प्लस वन माइनस थ्री जे कैप, लैम्डा माइनस थ्री जे कैप माइनस नहीं है वो, माइनस टू लैम्डा माइनस वन नहीं है, नहीं है बोल लेते प्लस का है, लैम्डा प्लस वन आई कैप, हाँ जी प्लस थ्री प्लस वन थ्री प्लस लैम्डा थ्री प्लस लैम्डा जे कैप थ्री प्लस लैम्डा जे कैप जे कैप, हाँ जी माइनस टू लैम्डा माइनस वन के कैप,
तो माइनस कॉमन ले लें हाँ. तो टू लैम्डा प्लस वन के कोई डाउट है बिल्कुल सही बोला ठीक है भाई यहां तक सही है. अब इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ ए के साथ तो वेक्टर ए डॉट लैम्डा बी प्लस सी ये क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए और आपने भी ये काम करना है करोगे सुनिए फिर से इनको इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट सुनो अरे आई के साथ जे का जे के साथ के का के प्लस टू टू लैम्डा प्लस टू टू हाँ जी प्लस माइनस थ्री माइनस लैम्डा माइनस थ्री दोनों के साथ माइनस जीरो एक मिनट को थ्री प्लस लैम्डा है ना प्लस का एक मिनट को इसके मल्टीप्लाई किसके साथ होगी माइनस वन के साथ ऐसे कर लो प्लस वन के साथ माइनस टू लैम्डा प्लस वन की मल्टीप्लाई होगी किसके साथ वन के साथ और ये क्या आना चाहिए जीरो ये बोल रहे हो टू लैम्डा प्लस टू माइनस थ्री माइनस लैम्डा माइनस टू लैम्डा प्लस माइनस वन क्या हो गया भाई सही है ये तो कैंसिल ही हो गया माइनस वन और माइनस थ्री और माइनस वन क्या हो गया माइनस फोर और टू माइनस फोर कितना होता है माइनस टू माइनस टू इक्वल टू जीरो लैम्डा की वैल्यू बताओ माइनस टू दैट इज द राइट आंसर बिल्कुल सही समझ आ गया तो लैम्डा की वैल्यू अच्छा क्वेश्चन था ये बोला बेटा माइनस टू ठीक है ऑल वैक्टर्स फाइंड ऑल वैक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ टेन रूट थ्री मैग्नीट्यूड कितना दिया है टेन रूट थ्री डेट आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डेट आर परपेंडिकुलर टू द फिर आई टू द प्लेन ऑफ टू द प्लेन ऑफ आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप एंड इन दोनों के प्लेन के इन दोनों के प्लेन के बोला बेटे उसने पहले तो पहले एक काम करो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होता है ए क्रॉस बी इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर मान लो ये प्लेन है ये हमारा प्लेन है इस प्लेन के अंदर दो वेक्टर लाई करते हैं एक है आपका आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप इन दोनों से जो प्लेन बन रहा है यानी कि ये वेक्टर और ये वेक्टर से प्लेन ये वाला बन रहा है और एक दूसरा वेक्टर कौन सा है माइनस आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप ये इनका प्लेन है इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर एक ये वेक्टर है जिसका नाम है वेक्टर ए क्रॉस बी और वो मैं निकाल लेता हूँ पहले वो जो आएगा उस वो नहीं चाहिए हमें उसका मैग्नीट्यूड कितना चाहिए इधर दिखाओ टेन रूट थ्री टेन रूट थ्री मैग्नीट्यूड चाहिए तो हमें क्या करना है ये जो एक्टर ए क्रॉस बी है इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके फिर टेन रूट थ्री से क्या कर देना है मल्टीप्लाई करना आगे समझे डायरेक्ट यूनिट वैक्टर निकाल के फिर आगे ठीक है देखो स्टार्ट वैक्टर ए क्रॉस बी निकालना है तो वैक्टर ए क्रॉस बी मैं निकाल रहा हूँ यहाँ आई कैप जे कैप के कैप आई बिल्कुल सही बोला आपने आई कैप हाँ जी बोलो एट माइनस थ्री माइनस एट माइनस माइनस आता है फोर प्लस वन प्लस के कैप थ्री प्लस टू थ्री प्लस टू तो बेटा ये आ गया आपका फाइव आई कैप प्लस माइनस फाइव जे कैप हाँ जी फाइव के कैप तो बेटा इसका मॉड भी निकाल लें वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉड आएगा अंडर रूट फाइव स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर फिफ्टी प्लस तो फाइव स्क्वायर आप कॉमन भी ले सकते हो निकाल लो बाहर फाइव फाइव रूट थ्री देखो इतना अच्छा है ऐसे याद किया आगे समझ रूट थ्री चाहिए ना हमें बस अच्छा है तो ये बताओ यानी कि वेक्टर ए क्रॉस बी को आपने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया इनटू टेन रूट थ्री ये आ गया आपका और बाद में फिर टेन रूट थ्री से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे कौन सा वेक्टर चाहिए था जो इनके तो 10 आई कैप इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर हो और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो 10 रूट थ्री तो 10 रूट थ्री से मैंने क्या कर लिया ये तो आया डायरेक्शन ये क्या आया था और ये मैग्नीट्यूड आगे इससे मल्टीप्लाई कर दिया ये कैंसिल हो गया टू तो आ गया फाइव आई कैप माइनस फाइव जे कैप प्लस फाइव के कैप इंटू टू सो दैट इज द आंसर फाइंड द स्टूडेंट ये बोल रही है ना फाइंड द साइन ऑफ द एंगल फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स नहीं हो आप झूठ थोड़ी ना बोलिए बिटवीन द वेक्टर्स वेक्टर्स दिए हुए बेटे वेक्टर्स हमें दिए हुए एक दिया वेक्टर ए इक्वल टू थ्री आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप और वेक्टर बी क्या दिया टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फोर के कैप यही है इन दोनों के बीच में साइन पूछ रहा है अच्छा बेटे कॉस थीटा कॉस थीटा तो होता है वेक्टर ए मैं कॉस ही निकालने वाला हूँ फिर मैं अंडर रूट वाला मॉड मॉड भी है ठीक है भाई वो ज्यादा बेटर है थ्री टू जगह होता है सिक्स माइनस टू प्लस एट अपॉन अंडर रूट नाइन प्लस वन प्लस फोर नाइन प्लस वन प्लस फोर और ये अंडर रूट के अंदर फोर प्लस सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी
ये तो जीरो ही जा रहा है। 16 प्लस 8 24 हाँ, जीरो आ रहा है। 14 और 24 नहीं 8 और 6 मैं जीरो समझ रहा था। 12 अपॉन में क्या आ रहा है बेटे? अंडर रूट 24 पूरा सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या? अंडर रूट 14 हाँ कोई नहीं आ रहा इसका। अंडर रूट 24 6 into 4 टू रूट बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल 2√6 कैंसिल होगा, 2√6 और इधर भी आएगा, इधर भी आएगा 6 तो रूट 6 अपॉन रूट 14 ये आ जाएगा भाई, आ जाएगा मैं कर देंगे आ जाएगा बच्चे है ना। अब देखो बेटे अब मैंने निकालना था साइन थीटा, क्या निकालना था? साइन थीटा होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 9 अपॉन 21 माइनस 9 11 में से 12 अपॉन 21 12 अपॉन 21 12 को लिख सकते हैं 2√3 और 21 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 7 अरे सॉरी ये वाला ये तो ये आ गया साइन थीटा। तो कितना इजी क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन जो है आईआईटी में आया था और इसके वर्टिसेस एक ट्रायंगल के वर्टिसेस दिया हुआ है 1 2 3 और बी दिया हुआ है 2 1 4 और सी क्या दिया जल्दी बोलो 4 5 माइनस 1 तो निकालना क्या है वेक्टर ए बी बताओ क्या आएगा डायग्राम में बड़े सही है वो बिल्कुल सही यहाँ देखो ठीक है वेक्टर ए बी क्या आएगा ओबी माइनस ओए बताओ जल्दी से 2 माइनस 1 आई कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप आप समझ लेना भी और फिर एसी वेक्टर बताओ 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप दैट्स राइट आंसर। बस क्या करना है वेक्टर ए बी क्रॉस और फिर उसका हाफ और वो तो निकालना आता है बच्चों आई कैप जे कैप के कैप 1 माइनस 3 1 हाँ जी फिर 3 3 माइनस 4 अब तो पक्के खिलाड़ी हो गए हैं सर आई कैप हाँ जी -3 12 माइनस 3 और माइनस जे कैप हाँ जी बोलो -4 -3 और फिर प्लस के कैप बोलो के कैप है ना 3 3 9 3 9 ठीक है तो बेटे ये आ जाएगा 9 9 आएगा सही है हाँ जी प्लस 7 जे कैप प्लस 12 के कैप है ना और इसको किससे डिवाइड करेंगे हाफ से इसको ना करेंगे मैग्नीट्यूड को करेंगे क्योंकि वो तो हमें मैग्नीट्यूड हाँ जी एरिया मैग्नीट्यूड से ही आता है भाई ऐसा हाँ, ना ये तो वेक्टर की फॉर्म में 9 का स्क्वायर 81 प्लस 49 प्लस 144 बहुत बड़ा है 274 अच्छा ठीक है और इसको हाफ से डिवाइड कर दो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा बेटे डायग्राम बनाऊं क्या है अपॉन 2 ट्रायंगल ही तो बनेगा और वर्टिसेस दिखाएंगे बस अच्छा ये क्वेश्चन पता है आपका कौन सा है पता है कौन सा है ना आईआईटी में तो है ही है ये आपके उसका भी हो गया हमारे यहाँ खुद के सिलेबस का एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू आप ऐसे भी निकाल के देख लेना सारे आ गया समझ में ठीक है तो दो वाले भी कर लेना।